इस एज में हम सुल्तानगंज से आएंगे, अभी क्या बजे हम मंदिर पहुंचेंगे? 6 घंटा उतना बड़ा लोटा है, देखो वहाँ पीतल का लोटा है, उसमें 2 किलो जल अटता है, दोनों बगल जल है, तो हम कितना 6 घंटा लाइन में रह सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो नहीं रह सकते हैं। और बोलते हैं तो सिपाही हमको एक बार ऐसा मारा कि माथा में एकदम लगता था बेहोश हो जाएंगे। हाँ उसके ठीक है, जो करकुट्ठा छो ना वो सबसे खच्चर छे करकुट्ठा, ओकरा तो हमने लगले कि लोटवा लेके दिए ओकरा दे, फेर करे जेहो जलवा बचल छे वो बाबा के की देबे, दे देती हमरा जेल में सरेतै ओकरा बाबा सरेतै। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम है दुम्मा के पास, और बेसिकली मैंने पिछले बार भी बाबा का वीडियो बनाया था जो कि प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाते हैं बाबा मंदिर में, तो इस बार भी, और यहाँ पे रुकते हैं जो ये जगह है, ये होटल है यादव होटल, यहाँ पे दही वाली ज्यादातर नाम फेमस है, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो प्रत्येक सोमवार, तो आज सोमवार है और हम यहाँ पे पहुंचे तो बाबा में मिल गए, और बाबा के साथ एक अम्मा भी मिली है जो कि काफी बुजुर्ग है फिर भी जल लेके आते हैं। तो सावन के अलावा चाहता है कि अगर आएंगे तो रास्ते में किसी तरह का दिक्कत होता है क्या? सावन का मतलब है, हम तो 12 महीना आते हैं, सावन से मतलब क्या है? कभी भी दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं है कि 100-200 बम नहीं डेली पार करता है, 100-200 डेली। हाँ माघ और कार्तिक और कोई बातें नहीं है, अनदिनवा भी एक दिन नहीं है कि 10-20 गो बम नहीं जाता है और नहीं दुकान में रुकता है। आप बम प्रत्येक सोमवार आते हैं, देखते हैं कि बम भी ओवर भी बम जो सोमवार है जो है ये है, जो हम लोग सोमवारी वाला कम से कम 15 आदमी है प्रत्येक सोमवारी जल देने वाला। प्रत्येक सोमवारी को आप भी आते हैं? हाँ हम भी आते हैं प्रत्येक सोमवारी को, 15 आदमी हम लोग है, फलहारी बाबा, निरंजन बाबा, सिंह जी, नीलम दीदी, सब रंजू दी सब है, बहुत बम है। हमारा नाम निर्मला देवी हुआ, सब सोमवारी हम लोग कंटिन्यू देखता है, दुकान वाला भी हम लोग को अपना घर से ज्यादा सेवा देता है, अपना घर से ज्यादा प्रेम देता है। जो दुकान में महीनवारी भूतना धर्मशाला हो, यहाँ दही वाली हो, इसका नाम दही वाली है, इसको सब बम जितना है दरभंगा सुपौल मधुबनी सब इसको दही वाली बोलती है। अच्छा बम जी, आप कितना साल से आ रहे हैं? हम पहले महीनवारी आते थे समझे ना, बीच बीच में कभी कभी 16 सोमवारी कभी, अभी सावन से कंटिन्यू सोमवारी हमारा है इस वर्ष है ना। आपका बहुत 1985 से हम कांवर महीनवारी चढ़ा रहे हैं, महीनवारी 1985 से ही। आपका उम्र कितना होता है अभी बम जी? 76 वर्ष। देख सकते हैं 76 वर्ष के उम्र में भी अभी प्रत्येक सोमवारी को जल चढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो है ये चाची जो है यहाँ पे बहुत सारा, हाँ अभी बातें करेंगे, पूरा सेवा करते हैं, सेवा भी जरूर करते हैं, लॉकडाउन में भी सेवा करें, इस समय में क्या है दूसरा दुकान वाला चढ़ने नहीं देता था, इसके दरवाजा पर पुलिस आ गया, पुलिस को भगा दी, बोला मेरा कुटुम्ब है, कुटुम्ब को हम खाना नहीं देंगे। अच्छा, हम लोग का लॉकडाउन में, हम लोग लॉकडाउन में भी कितना पुलिस जंगल जंगल जाते थे लेकिन नहीं छोड़े सोमवारी। तब देख सकते हैं यहाँ पे, और पहली बार हमें मुलाकात हुई है बम से, और प्रत्येक सोमवार चढ़ाना समझते हैं, मतलब कि अगर जैसे कि आप, लेकिन हम लोग को ही है कि जो महीना में एक बार आता है उसके पास पैसा है वो VIP में 500 रुपया दे के चल जाता है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं सरकार दिया है। अच्छा, झारखंड सरकार चाहे जे सरकार रहे, हम लोग को निकासी से काहे नहीं धूपने देगा, पैसा वाला को घुसाता है, ये लोग पंडा जी का बदमाशी है, नहीं घुसाता हम लोग को, 6 घंटा इतना वाला रोटा है, 6 घंटा भी लाइन में चक्कर आ जाता है, हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं जो है ना होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुँचे और ये जो अम्मा का दुख है वो मतलब कि सुना जाए। वैसे इन्होंने अच्छा बता कि इस एज में हम सुल्तानगंज से आएंगे, अभी क्या बजे हम मंदिर पहुँचेंगे? 6 घंटा उतना बड़ा लोटा है, देखो वहाँ पीतल का लोटा है, उसमें 2 किलो जल अटता है, दोनों बगल जल है, तो हम कितना 6 घंटा लाइन में रह सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो नहीं रह सकते हैं। और बोलते हैं तो सिपाही हमको एक बार ऐसा मारा कि माथा में एकदम लगता था बेहोश हो जाएंगे। हाँ हम लोग लगा कि लोटवा लोटवा उसके ठीक है, जो करकुट्ठा छो ना वो सबसे खच्चर छे करकुट्ठा,
ओकरा तो हमने लगले कि लोटवा लेके दिए ओकरा दे फेर करे जेहो जलवा बचल छे ने ओ बाबा के की देबे दे देती हमरा जेल में सरेतै ओकरा बाबा सरेतै आ ओ तो छोड़ देलिए हम छोड़ देलिए खाली नहीं नहीं तो देखिए यहाँ पे अगर ये वीडियो थोड़ा सा अगर प्रशासन तक पहुँचता तो इन सब का जो है ना एक कार्ड बना दिया जाए ताकि इन सब का जो जैसे जाए तो इन सब का जलर्पण जो है निकासी द्वार से हो जाए। तो एक चीज देखिए उनका भी कोई गलती नहीं है, जो प्रशासन है ना बम जी उनका भी कोई गलती नहीं है, उसका जो जो अनुमति है वही कर सकता है। एक काम किसी को नहीं घुसने दे, किसी को नहीं घुसने देता है उधर से सिर्फ जो पंडा बाबा है ना वही जाते हैं। लेकिन आप लोग एक बार जो है ना वहाँ पे जो ऑफिस है, कहाँ ऑफिस है वहाँ पे बताएगा तब तो, जो मंदिर का गेट है ना पूरब अति पूरब दुर्गा मंदिर के पास, ये क्या कहते हैं कौन सा गेट कहता है वीआईपी गेट जहाँ पे है ना, हाँ। वहाँ पे जाइएगा ऑफिस वहाँ, हाँ वहाँ पे आप लोग एक कार्ड बनवाइएगा ठीक है, वीआईपी कार्ड ठीक है, बेसी ने चार पांच कार्ड बनवा दीजिए, हाँ। सप्ताही वाला। अच्छा हम एक बार चर्चा करेंगे अगर वहाँ पे की ऐसा कुछ बम है, हाँ। जो की उन सबको दिक्कत होता है, प्रत्येक सोमवार को आता है, आपके पास कार्ड रहेगा तो वहाँ पे निकासी गेट से एंट्री कर देगा, क्योंकि वो देखिए वो तो एक छोटा जो पुलिस वाला है वो उसके ऊपर कोई अधिकारी है, उसको जो बोलेंगे वही करेंगे ठीक है, वो तो वो कुछ नहीं बोल सकते, उनको आप कुछ नहीं बोल सकते, उसको परमिशन नहीं दिया है, उनको थोड़ी पता है कि आप प्रत्येक सोमवारी परमिशन दिया है ना बेटा, तो हमको अच्छा से कहता, हाँ। कि माँ नहीं जाने देंगे, हाँ। माँ हम भी गलती किए, हाँ। जा रहे थे हम, हाँ। अपना गलती भी बताने, हाँ। रहे थे हमको नहीं जाना चाहिए, हाँ। लेकिन जा रहे थे तो हम गलती किए तो हमसे तो तुम दुगुना हमको हटा देता, मारा क्यों? नहीं नहीं हम ये गलत है कि नहीं गलत है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाएं, नहीं जाने देता, हम गलती किए, हम कह रहे हैं कि हम गलती किए, उधर से हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम गलती किए, तू हमको गलती इतना करता खटा देता, मारा क्यों सर पर? वो आपको मार भी दिया था ना, लेकिन वो गलत क्या है, लेकिन हम एक बार जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग चर्चा करेंगे। कार्ड बनवाइए आप लोग, एगो रिनंदन बाबा, एगो फलाली बाबा, एगो मोहन बाबा, एगो रंजू दी, एगो बुलबुलिया वाली दीदी, धनबाद वाली छे, लीलम दी छे, सबको बनवा दीजिए। चलिए हम ये चर्चा करेंगे अब तो, क्योंकि हम तो हम भी सेवा करते हैं, चर्चा करके करवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा जो अम्मा का जो दुख था उनको सुना जाए, और कम से कम जितने भी प्रत्येक सोमवारी आते हैं बम उन सब तो ये तो इतना कष्ट करके आते हैं, वो भी झेलेंगे कष्ट, लेकिन क्या होता है कि इतना दूर से आते तो अच्छे तरीके से दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है, सावन में नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन सावन में हम लोग को पुलिस देता है सुविधा, हाँ हाँ गलत नहीं बोलेंगे, सावन में सोच सोच अभी भी शिवरात्रि में था ना उतना भीड़, हाँ हम क्लास डेढ़ घंटा में पूजा करवा दी, एकदम भीड़ में नहीं जाने दिया, माता जी आप चटनी हो जाइएगा, साइड से निकाला, अंत दिन में ऐसा होता है, सावन में हम लोग को दूर घंटा में पूजा हो जाता है, अच्छा हाँ अथी से धोबिया तालाब से घुसते हैं, और जिससे कि मतलब अथी साइड में एक ठो रखता है, वो भीड़ में नहीं जाने देता, छोटे छोटे अपना हम लोग धक्का मुक्का नहीं खाते है, अंत दिन में ही ऐसा करता है, जबकि अभी तो कुछ दिक्कत भी नहीं होता अभी, और अभी भी एक बार ना आप लोग का अगर परिचय हो जाएगा ना तो जो प्रशासन है तो आराम से जाने देगा, हाँ, ठीक है, हाँ। अभी जैसे कि आप लोग को पहचान नहीं रहा है, ठीक है, हाँ, प्रशासन बदला हो जाता है ना, प्रशासन वहाँ करकुट्ठा बदला हो चे भोरे जे रहे चे बहुत खर्चा हो चे आप फिर बाद मला जे रहे चे कागो घुसा दे चे 12 बजे के बाद जाए चे प्रशासन ने घुसा देता है, अभी कभी घुसा देता है कभी नहीं घुसाता है, हम लोग नहीं छोड़ा एगो गोरकी जो छो दोनों भोरे के ओकर ड्यूटी रहे थे, इसलिए हम लोग भोर में अच्छा अब बेटा धूप हो गया, धूप में हम लोग चल पाएंगे बालू कैसा है, अब भोरे जाएंगे तो फिर वही होगा, इसी से सोचते हैं, नहीं नहीं देखिए जो कोशिश रहेगी कि तुम करेगा ना हम करेंगे, त्रिशूल वाला जो करेगा वही होगा, जी जी सही बात बोले तो सही, और ये आप लोगों तो पहले भी हम बताए थे कि ये जो बाबा है फलाली पे चलते हैं, और पिछले बार भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और आप लोगों ने सबसे पहले तो हम तो जानते हैं कि मेरे लिए बाबा देवता समान है, क्योंकि इनके वजह से मेरा वो एक वीडियो काफी ज्यादा चला था, उस समय से मेरा चल भी रहा है, तो एक होता है ना कि एक जिस तरह बोलते हैं ना भगवान का दर्शन हो जाता है, वैसे ही मेरा हो गया था पिछले वर्ष, तो इसलिए आज भी बाबा से हम एक बार और भी मिले थे, ATM के पास मिले थे ना बाबा जी, हाँ
जो आपको गाड़ी नहीं मिल रहा था तो। हाँ यहाँ पे भी मिले थे, उधर भी। हाँ हाँ मिले थे, यहाँ पे बैजनाथपुर में भी मिले थे हम लोग, कृषि मार्केट के पास, पता है ना। हाँ 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 लेकिन कोई सुविधा नहीं हुई। नहीं इस बार हम आपका ऐसे नहीं वीडियो नहीं वहाँ पे करवा देगा तो तुमको कितना ही होगा। हाँ कोशिश करेंगे, देखिए हम तो हाँ तो 10 कमरिया का सुविधा हो जाएगा तो वो बोलेगा 10 को 20 को आशीर्वाद तो कम से कम मिलेगा तुम लोग। अच्छा तो 50 को बढ़ेगा, 100 को बढ़ेगा भी, जरूर बढ़ेगा जो भी है। तो सुविधा जमेगा तभी नहीं बढ़ेगा, नहीं कैसे बढ़ेगा। सुविधा देते तभी हम बढ़ता है। हाँ हाँ मनिया मोर में, मनिया मोर का 10 किलोमीटर हाँ पाछे है दुकान। हाँ आपका वहाँ भी सेवा करते हैं। अच्छा अच्छा आप यहीं से है ना, बिहार से ही है अपना? हाँ बिहार से है, मनिया मोड़ के पास। हाँ, मनिया मोड़ से 1/2 किलोमीटर पहले ओ, दुकान हाँ। है। इसमें जितना है सब बिहारी है हम लोग। वो तो हम भी बिहारी है। हाँ, हम लोग मेरा, बिहारी मेरा, हैं। मेरा भी बांका जिला घर है। हाँ, हम लोग सब बिहारी है। अब बिहारी के सिवाय कौन उतना एज में इतना बड़ा ओ, देख सकते हैं। हाँ ये देख सकते हैं, ये सूरज। हाँ 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 तो बाबा देखते हैं। हाँ प्रत्येक वर्ष बिहारी के सिवाय किसको ताकत है ये करने का? नहीं बाबा अगर जिसको बुलाएंगे तो ले ही जाएंगे। तब बाबा बुला रहे हैं जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंटी का, ये कौन वाला जल है आपका अम्मा? ये देखिए यहाँ पे जल लेके जा रहे हैं। हमको पित्तर का लोटा है, ये देखिए ये पित्तर का लोटा है, इसको लेके अभी चलते हैं। और 76 वर्ष उम्र होंगे, 85 से ये जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं किस प्रकार से चलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो दुख है अम्मा का वो प्रशासन तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।